अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में जो जॉब आई है वो बैंक अल-फ़लाह की है। बैंक अल-फ़लाह में काफ़ी सारी जॉब्स हैं, लेकिन जो इस वक्त अवेलेबल है वो कॉल सेंटर की जॉब है, कॉल सेंटर ऑफिसर की। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक अल-फ़लाह की, और अप्लाई कैसे करना है, और किस किस शहर में ये जॉब्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेना। हम ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है रोजी 786 लिख के आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास पहली साइट आ जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये सारी जॉब्स इसके आपके सामने शो हो रही है। इसमें आपने सबसे नीचे चले जाना है। सब ये देखें, बैंक अल-फ़लाह कॉल सेंटर जॉब्स 2024, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी उन्होंने मांगी हुई हैं वो यहाँ पे मैंने बताई हुई हैं, आप ये सारी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जॉब टाइटल क्या है, कॉल सेंटर ऑफिसर और फुल टाइम जॉब है, बैंक अल-फ़लाह की है, और क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, और एक्सपीरियंस लेवल इसमें आपका फ्रेश भी मतलब कि इसमें अप्लाई कर सकता है, और अप टू 2 ईयर एक्सपीरियंस जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में वो भी अप्लाई कर सकता है। और लोकेशन कराची और लाहौर, 2 शहरों में ये जॉब्स अवेलेबल है। इसके अलावा आपने अप्लाई करने के लिए या तो बैंक अल-फ़लाह की ऑफिशियल साइट पे चले जाना है, या फिर ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद बैंक अल-फ़लाह का जो पोर्टल है, जॉब पोर्टल, वो ओपन हो जाएगा। तो ये आपके सामने बैंक अल-फ़लाह का जो जॉब पोर्टल है वो आपके सामने आ चुका है। यहाँ आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं, आप इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं। और सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बताई हुई है, एज वगैरह, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लेवल, जो भी उन्होंने मांगा हुआ है वो यहाँ पे सब बताया हुआ है। ठीक है, तो जो मैंने जॉब आपको रिकमेंड की है वो कॉल सेंटर की है, तो उसके नीचे यहाँ पर ये देखें, ये कॉल सेंटर की जॉब आपके सामने आ रही है। ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करने, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इसका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा फॉर्म आ चुका है। ठीक है, कॉल सेंटर ऑफिसर की जॉब है, यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, फादर नेम, जेंडर, आपका सिटी, CNIC, करंट एड्रेस, कंट्री, प्रोविंस, सिटी, ये सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे वो आपने ऐड करनी है। फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और आगे आपकी क्वालिफिकेशन और डिग्री स्पेशलाइजेशन, किस यूनिवर्सिटी की है, आपके मार्क्स कितने हैं, डिग्री लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पास क्वालिफिकेशन सारी यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। डिसेबिलिटी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, और कॉल आने के बाद आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जॉब्स जो भी मैं पोस्ट करता हूँ, कोशिश किया करें कि आप अपने फ्रेंड्स और बेरोज़गार जो आपके दोस्त या जानने वाले हैं उनके साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो अप्लाई कर सकें और उनको रोज़गार मिल जाए। आपकी वजह से अगर किसी को रोज़गार मिल जाएगा तो अल्लाह ताला आपकी राहें जो है वो बहुत आसान कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।